जी हाँ दोस्तों, आखिरकार आज पांचवे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने शतक पूरा करते के साथ ही बीच मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ कीर्तिमान स्थापित कर दिया। और आखिरकार रविंद्र जडेजा ने कैसे अपना शतक बनाया वो सब तो आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जडेजा और ऋषभ पंत में से कौन है एक अच्छा बल्लेबाज? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी जडेजा के फैन हो तो वीडियो को भी जरूर लाइक करना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही कि भारत और इंग्लैंड के बीच में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पांचवा टेस्ट मुकाबले का आज दूसरा दिन शुरू हुआ, जहां आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाज रविंद्र जडेजा 83 रन से आगे अपनी बल्लेबाजी को शुरू करने के लिए उतरे। तो वहीं दोस्तों आज के इस मैच में रविंद्र जडेजा ने आते से ही बीच मैदान पर ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर डाली और खुंदस में एक के बाद एक चौके जड़कर यहां पर इंग्लैंड की टीम के खिलाफ अपना शतक तो पूरा किया ही और साथ में कुछ बड़े कीर्तिमान भी अपने नाम स्थापित कर लिए। दरअसल दोस्तों आज हुआ ये कि जब मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरे तो दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी पारी खेलकर पहले तो भारतीय टीम के स्कोर को 350 रनों से ऊपर ले जाने का काम किया और फिर 350 रन बना पाने के बाद यहाँ मोहम्मद शमी अपनी आतिशी बल्लेबाजी शुरू कर देते हैं, जहाँ मोहम्मद शमी आज के इस मुकाबले के दूसरे दिन 3 चौके लगाते हैं। हालांकि उनको स्टुअर्ट ब्रॉड जैक लीच के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इसी के साथ मोहम्मद शमी आज 31 गेंदों में 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि दोस्तों मोहम्मद शमी के आउट होने से पहले ही रविंद्र जडेजा ने यहां पर अपना शतक पूरा कर लिया था और रविंद्र जडेजा ने इस शतक के साथ ही एजबस्टन के मैदान पर वो भारत की तरफ से ऐसा कारनामा करने वाले चौथे ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने शतक लगाया हो। जी हां दोस्तों, इससे पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और ऋषभ पंत ये कारनामा कर चुके हैं। हालांकि दोस्तों ऋषभ पंत ने भी इसी मुकाबले में ये कारनामा और इतिहास रचा था और अब रविंद्र जडेजा ने ये बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। बाकी दोस्तों हम आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा ने 100 रन की पारी के बाद अपनी साझेदारी उन्होंने जारी रखी, जहां उन्होंने जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और दोनों ही बल्लेबाज एक के बाद एक खूब चौके छक्के बरसाते हुए नजर आए। हालांकि दोस्तों रविंद्र जडेजा ने आज 184 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था, तो वहीं रविंद्र जडेजा का बखूबी साथ बाद में आकर जसप्रीत बुमराह भी निभाते हुए नजर आए। और ऐसे में दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा के बारे में और आप इनकी बल्लेबाजी को देखते हुए 10 में से इनको कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक नाबाद वो 83 रन की पारी पर पवेलियन लौटे और इस दौरान रविंद्र जडेजा ने 10 चौके भी लगाए। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि जडेजा ने आज के इस मुकाबले में जैसे ही 83 रन बनाए तो उन्होंने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। दरअसल दोस्तों रविंद्र जडेजा ने आज 83 रन बनाते के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में आज 2479 रन पूरे कर लिए। लेकिन दोस्तों अगर आज दूसरे दिन के मुकाबले में रविंद्र जडेजा 2500 रन अपने पूरे कर लेते हैं तो रविंद्र जडेजा एक बड़ा कीर्तिमान रच देंगे।